भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अजीज दोस्तों में शुमार जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की पार्थिव देह शनिवार को राजधानी टोक्यो स्थित उनके घर पहुंच गई। उनका अंतिम संस्कार मंगलवार को किया जाएगा। शुक्रवार को एक नौसैनिक ने गोली मारकर आबे की हत्या कर दी थी। उन पर पश्चिमी जापान के नारा शहर में हमला किया गया था। हमले के तुरंत बाद उन्हें एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चोटों की वजह से अधिक खून बह जाने के कारण उनकी मौत हो गई थी। शिंजो आबे को पीछे से गोली मारी गई थी। 41 साल का हमलावर पत्रकार बनकर आया था। उसने कैमरे जैसी गन का इस्तेमाल किया था। हमलावर का नाम यामागामी तस्तुया बताया गया है। हमलावर जापान की नेवी में काम कर चुका है। यामागामी को गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा वो एक स्थानीय यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर भी काम कर चुका है। अब जरा पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बारे में भी जान लीजिए। शिंजो आबे 1954 में पैदा हुए थे। वो 2006 से 2007 और 2012 से 2020 तक जापान के प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी व्यक्तिगत दोस्ती और उनके पीएम रहते दोनों देशों के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे थे। शिंजो आबे दो बार लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने अपने शानदार करियर में मुख्य कैबिनेट सचिव और विपक्ष के नेता के महत्वपूर्ण पदों पर भी काम किया। सार्वजनिक जीवन में आबे का करियर 1993 में शुरू हुआ, जब वो प्रतिनिधि सभा के लिए चुने गए थे। वो जापान में विश्वयुद्ध के बाद सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने शानदार जीत हासिल कर जापान को एक राजनीतिक स्थिरता प्रदान की थी। उनसे पहले 5 प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल के 16 महीने भी पूरे नहीं कर सके थे। शिंजो आबे ने 2017 से 2012 के प्रदर्शन को दोहराया और अपनी पार्टी को एक और शानदार जीत दिलाई थी। वो 2020 में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बन गए थे। अगस्त 2020 में शिंजो आबे को अल्सरेटिव कोलाइटिस के कारण जापान के प्रधानमंत्री के रूप में इस्तीफा देना पड़ा था। शिंजो आबे को राजनीतिक विचारधारा से रूढ़िवादी माना जाता था। राजनीतिक विश्लेषक उन्हें दक्षिणपंथी जापानी राष्ट्रवादी के रूप में वर्णित करते हैं। वो निपॉन कैगी के सदस्य थे। शिंजो आबे एक धनी राजनीतिक परिवार से आते थे। उनके पिता विदेश मंत्री भी रहे थे। उनके परदादा भी जापान के प्रधानमंत्री रहे थे।